एंड इफ यू वांट टू कम हियर यू कैन कम एंड तो ये दोनों अपना अपना आनंद है, अपना अपना मजा है। सो गाइस यहां पे चॉइस मिलती है आपको कौन से रूट से आपको जाना है। यहां पे तीन रूट्स अवेलेबल है, 1, 2, 3 और आई थिंक फर्स्ट रूट जो है काफी लंबा है राइट और मे बी उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, तीन घंटे की वोटिंग रहती है और रूट टू और रूट थ्री में मे बी कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम टाइम लगे, बट आई थिंक रूट वन में जो है टेम्पल वगैरह है और काफी चीजें देखने लायक है तो आई थिंक रूट वन हमारे लिए ठीक रहेगा। सो गाइस कैसी लगी केव्स? हमारी तो दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है ना जैसे जैसे केव छोटी। हेलो गाइस दिस इज द अनदर केव, इट्स थर्ड केव जो कि सो गाइस ये मुझे लग रहा है कि ये अस्थियां। सो गाइस अब ये वाली केव हम लोग करने वाले हैं बिकॉज अगर बैठना होता तो आंटी पीछे से गोई 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 बोल देती हम और नीचे तुरंत नाव के इस गड्ढे में घुस जाते। देख रहे बच्चा कितना क्यूट है कितना मजा लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे 8:19 पे और बिल्कुल लाइन टिकट काउंटर पे बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मे बी अभी ऑफ सीजन है या फिर व्हाटएवर, बट अभी जो है मॉर्निंग टाइम में टिकट काउंटर खाली रहता है और जो है टिकट है वो है 2 लाख VND और अगर आपका छोटे बच्चों का जो है वो 1 लाख VND तो 2 लाख VND मतलब हो गया आपका अराउंड 500-600 रुपए के अराउंड और उसमें से आप कोई भी एक रूट चूज कर सकते हो और हर रूट के लिए सेम प्राइस है उसका चलते सीधे और उससे पहले आप फ्रेश वगैरह हो लेना बिकॉज बीच में नाव तो कहीं रुकेगी नहीं, समझ रहे हो ना आप। सो गाइस एक छोटा सा म्यूजियम भी है यहाँ पे और जहाँ पे आपको रिवर्स की मूवी दिखा रहे हैं और प्लस साथ साथ में कुछ कुछ चीज़ें एंटिक पीसेस भी रखे हुए हैं, स्टोन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। एज यू कैन सी ओह वाओ सो ये पूरा रिवर का मैप भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना ये लाइंस मेंटेन करने के लिए लंबे लंबे पाइप्स लगे हुए हैं तो इनको देख के लगता है कि यहाँ पे सीजन के टाइम में काफ़ी लंबी लाइन लग जाती होगी, मे बी दिन में ज़्यादा लंबी लाइन लग सकती है बिकॉज लोग जो है धीरे धीरे आना शुरू करते हैं तो प्रिपेयर होके आए टाइम डिसाइड कर ले और मार्जिन लेके चले। तो अभी जो वोट है वो स्टार्ट हो चुकी है, हमने फर्स्ट रूट चूज़ किया है जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे एक इंजन वाली बोट भी चल रही है साइड में जो आवाज़ आ रही है तो वो तो नज़ारे तो काफ़ी अच्छे हैं। आपको कमल के फूल बहुत कॉमन है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बहुत सारे कमल के फूल दिख जाएंगे और माउंटेन्स है दोनों तरफ। अभी तो रास्ता स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी, काफ़ी लंबा रास्ता है, 3 घंटे का सफ़र है, जो जो अच्छी चीज़ें आती हैं आपको दिखाते रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि जितने भी स्पॉट होते हैं यहाँ पर रुक के आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे एक टेंपल आ गया है तो हम लोग अभी टेंपल में जा रहे हैं, थोड़ा देखेंगे क्या है कैसा है तो उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। एज यू कैन सी ये सामने इधर ये टेंपल है, ये जो दिख रहा है इधर कोने में वहाँ जा रहे हैं हम और उसके बाद फिर ये रास्ता जो है आगे की तरफ चले जाता है इधर से। करण ध्यान से उतरना ठीक है। सो गाइस सो आंटी ने हमको यहाँ छोड़ दिया, 219 बोट नंबर है, वो लोग बता देते हैं कि 219 बोट में आपको दोबारा आना है। सो यहाँ पर ये है टेम्पल, एज यू कैन सी हम लोगों ने देखो लाइफ जैकेट भी उतारी है यार, दोबारा पहनो दोबारा उतारो, इससे अच्छा पहन ही रखो बेस्ट है। सो गाइस हम दोबारा बोट पे बैठ गए हैं और अभी यहाँ से टेंपल के बाद थोड़ा सा हमें आंटी की हेल्प करनी है, हमें चप्पू भी चलाना साथ साथ में, तो अच्छा एक एक्सपीरियंस है, आप बोट भी राइड कर रहे हो साथ साथ में और अमेजिंग व्यूज़ भी इंजॉय कर रहे हो, है ना? कैसे लग रहे हैं यहाँ के व्यूज़ मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइए आप प्लीज़। आराम से कर साले पानी उड़ा रहा है साले। ये भाई तो बिल्कुल लोकल स्टाइल में स्टार्ट हो गए, देखो भाई लोग एकदम है याहू है याहू। उल्टा उल्टा अबे छींटे मत मारो यार। ओ ये क्या है, ये सेकंड वाले इसमें पहली वहां पे फिर यहां पे, नहीं नहीं सेकंड वाले इसमें है ये वन। ओके वन में जा रहे हैं हम लोग, कैसे पकड़ ये है दोस्तों, ये है केव वन। तो ऐसे ही यहां पे केव्स आती रहती है, बहुत सारी केव्स हैं यहां पे और ये बहुत सारे कमल के फूल भी आपको दिख जाएंगे। कमल के फूल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ, मतलब हर घरों में हर नुक्कड़ पे कमल के फूल मिल जाएंगे। सो गाइस जैसे आप ये देख रहे हो ऐसे यहाँ पे रूट डिवाइड होते रहते हैं और जो मैंने केव आपको पहले दिखाई थी वहाँ से रूट नंबर टू जाता है और हम लोग जा रहे हैं रूट नंबर वन के लिए जो कि ये सामने की तरफ है। दो माउंटेन के बीच में थर्ड माउंटेन है ना, बिल्कुल ये ना इसको ना ऐसे करके पूरा डाल अंदर, ये सब ना फिर इसको निकाल। हाँ
So guys, ये जो केव दिख रही है आपको कैसी लग रही है, क्या बोलते हो, क्या इसके अंदर जाना चाहिए, क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं, क्या हमारी वोट इसके अंदर जाएगी? जी हाँ दोस्तों, हम इसके अंदर से ही जाने वाले हैं, तो रेडी रहिए इसके अंदर से जाने के लिए। और आई होप अंदर लाइट जली हो ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से केव दिखा पाऊँ। बस हमारा सन्ना टकरा है ऊपर, मुझे ये लग रहा है। माइंड योर हेड लिखा हुआ है शायद ना, नहीं लिखा हुआ है। मैं कैसे बैठूंगी, तो मैं कह रहा हूँ मैं भी ऐसे बैठा हूँ, मैं घुस नहीं पा रहा हूँ इसके अंदर। पैर ऊपर कर लो तुम, ये बोलिए आंटी से पैर ऊपर कर लो ऐसे। नहीं सही। ओके। सो गाइस, ये केव के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ये फर्स्ट केव है। ओह माय गॉड, ओह भाई, खतरनाक एडवेंचर है इंजी तू तो। 320 में हाफ किलोमीटर हो जाती है, ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर है। ओह ऐसे 9 है भाई, इतना नहीं टकराएगा, तुम्हें नहीं लग रहा इतना टकराएगा? नहीं टकराएगा, उससे बस चीज था। अरे यहाँ पे है बस। ओ भाई वो इसमें मत कर ऐसे, बस देख देख वो आंखों में वो लेंस पे वो जम रही है ना, मॉइस्चर है। अरे नीचे नीचे नीचे, उनको अटका लगा, उनको पूरी पूरी परफेक्शन से निकाल रहे लोग। नो नो सी सी लो मत, लो मत कह रही है। ओके ओके, हेलो मत करिए भाई। ओके ओके ओके, कौन बोल रहा था? परफेक्शन से ले जा रही हो, पता है? इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होती है ना पहले? इसमें तो होती होगी भाई, हाँ इसमें तो होती होगी भाई। डेस्क में 9 केव हैं सी, इसमें 9 केव हैं। सबसे ज़्यादा केव्स है इसमें। अरे 9 केव्स है टोटल। अब लग रहा सीधे बैठना पड़ेगा जैसे आंटी बोल रही थी, वही ज्यादा बेस्ट है। ओके ओके, गुड गुड, जान में जान आई। बैठ जाऊं? बैठ जाओ। आंटी जैसे बोल रही थी वैसे बैठना चाहिए। पानी कैसे 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 बैठना चाहिए? ऐसे पैर ऊपर। सो गाइस, कैसी लगी केव्स? हमारी तो दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है ना, जैसे जैसे केव छोटी होते जा रही थी, पत्थर नजदीक आते जा रहे थे, हिल जा रही थी, समझ लो क्या हिल रही होगी। और सर समझ गया। और सबसे मजेदार बात तो ये है, ऐसी 9 केव, 8 केव और है, एक ये चलेगी अभी, 8 केव और ऐसी है, काफी मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग है, आना बनता है भाई, ये भी आना बनता है, ऐसी बात नहीं है, काफी एडवेंचरस है। एडवेंचरस तो है ऑब्वियसली, ये वर्ल्ड हेरिटेज है यार ऑब्वियसली। सो गाइस, दिस इज द अनदर केव, थर्ड केव, जो कि 250 मीटर लंबी है। और यहाँ पे ऐसे करके हम क्रॉस कर रहे हैं, देखो ये भैया जा रहे हैं लेफ्ट में हमारे, भैया बढ़िया, राम राम, दूरबीन वूरबीन लेके जा रहे हैं, एकदम बढ़िया। ये केव में हमको नीचे नहीं बैठना है बिकॉज इसकी हाइट अच्छी खासी है, लाइटिंग थोड़ी बढ़िया करवाओ यार। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये केव? अगर आपको ये केव अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज है प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, और शेयर करना तो उससे भी इम्पॉर्टेंट है।
ये बीच का स्टॉप है, थोड़ी सांस वांस ले लो। सो गाइस अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे टेंपल में, और ये जो हमारा है सेकंड स्टॉप है, और हमारी तीन केव हो गई ना हमारी भाई, और हमने तीन केव कंप्लीट कर ली है और छह केव्स अभी बची हुई हैं। तो ये जो टेंपल है अभी हम यहाँ विजिट करते हैं, कैसा है ये टेंपल देखते हैं, और थोड़ा सा वॉक करके हमें जाना पड़ता है यहाँ पे, वो बोर्ड से छोड़ते हैं। यहाँ पे दुकान भी है, अगर आप चाहो तो टी कॉफ़ी बियर इत्यादि चीज़ें ले सकते हो, देख रहे हो हिंदी इत्यादि। सो गाइस जो टेंपल था वो अराउंड 400 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना था, तो हम लोग तो वापस आ गए, बट हमारा दोस्त अनूप ऊपर चढ़ के गया है, आई होप वो पूरा जाए। और हमने बोला जब तक हम तो फोटो भी खींच के लाएगा टेंपल की, हम मानेंगे नहीं कि तो ऊपर गया हुआ है, तो लेट्स सी वो फोटो क्लिक करके आता है या फिर आधे रास्ते से वापस आ जाता है। तो हम लोग आ गए अपनी बोट पे वापस, और हम अनूप का वेट कर रहे हैं, एक बार वो आ जाए तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सफाई में बड़ा ध्यान है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ हमारा स्वागत कमल के फूलों के द्वारा हो रहा है, बहारो फूल बरसाओ तुम्हारा महबूब आया है, क्या बात है भाई। बहारो फूल बरसाओ तेरा महबूब आया। सो गाइस अगेन एक छोटी सी केव आ गई है नैरो केव, जिसमें हमें नाव के बिल्कुल नीचे घुसना पड़ रहा है। मिरर इमेज कितनी अच्छी आ रही थी, यहाँ पे पानी कितना स्टिल है, वो भाई नीचे दिख रहा है, मिरर इमेज आ रही है। सो गाइस अभी ये वाली केव हम लोग करने वाले हैं, तो ये केव जो है ये अराउंड है आपकी 100 मीटर के आसपास, एज यू कैन सी 100 मीटर की केव है, और इसमें हमको नीचे नहीं बैठना पड़ता है, बिकॉज अगर बैठना होता तो आंटी पीछे से गोई 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 बोल देती, हम और नीचे तुरंत नाव के इस गड्ढे में घुस जाते, ठीक रहे। कहाँ गोई तीन चार पाँच। तो गाइज ये हमारी फिफ्थ केव जो कि अराउंड 250 मीटर लंबी है, सिक्स केव है। सो गाइज सिक्स केव है सॉरी, और इसमें हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केव थोड़ी सी लंबी है, उच्च हाइट अच्छी है मतलब इसकी। सो गाइस जो अभी नेक्स्ट केव आ रही है ये है हैंग खोंग खोंग केव, जो कि 70 मीटर लंबी है, जो कि काफ़ी छोटा डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू अदर केव्स, और ये हमारी सातवीं केव्स है, राइट? सातवीं केव है, और बहुत ही तगड़ा मिरर रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे, करण को फोटो खींचनी चाहिए बट उसने 100 ट्रिप मारे होंगे तो उसके लिए तो बोलती हो कि आगमन करके कर दे ऐसे, तरह हम अपने घर की रोड हमेशा याद रखते हैं। पाँच पाँच साल से काम कर रहे होंगे, रोज ही आते होंगे, रोज ही यही करना है, दो ट्रिप मारनी होंगी रोज की, तीन तीन घंटे छह घंटे का काम होगा। हम चले मछुआरे मछली पकड़ने। कौन सा गाना गा रहा है मछुआरे? ये ले करन तेरा आगे अच्छा महंगा वाला कमल का फूल आगे ले ले, निकालू क्या ऐसे करके ऐसे करके आंटी जाने देगी उधर, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी बड़ा मच्छर है चप्पू। दो ही हुई तो नहीं है कुछ आगे पूछे भाई कोई भाई। वाह देख कितने मस्त लग रहा है। एट ये हैंग क्रैंक
उत्तरांत के अरे तुम बंद कर दो पतवार बंद कर दो तुम्हें प्लीज आंटी को करने दो काम टेढ़ा मत हो यार भाई टेढ़ा हो रहा क्या हमारे सर एकदम क्लोज आ रही है क्या देखना है ये क्या लोग नहीं है बैठे हुए मुझे लगा लोग बैठे हुए हैं लोग नहीं बैठे हुए हैं अरे ये वो रखे हुए हैं ये घड़े में क्या रखे हुए हैं ये इधर से उधर से आ रहे साले वापस आ रहे हैं हम लोग दोबारा वो केस फेस करनी है एंजॉयिंग हाय हाय सहने सहने से रहते हुए तो सो गाइस ये मुझे लग रहा है कि ये अस्थियाँ रखी हुई हैं ऐसा मुझे लग रहा है बट आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक ये अस्थियाँ हैं कुछ बड़े लोगों की और यहाँ पे शांति के लिए रखी हुई हैं ये मोटर बाइक लेके कौन आ गया और कैसे लगी आपको ये केव्स बिल्कुल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है और काफ़ी डर भी लगती है जब अंदर जाती है ये बिकॉज जो आंटी बैठी हुई पीछे काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया उन्होंने जो इन्होंने स्टीयरिंग घुमाया है मतलब स्टीयरिंग तो उनके हाथ में नहीं है लेकिन जो पतवार के थ्रू इन्होंने बोट को डायरेक्शन दिए इट्स अमेजिंग बहुत अच्छा कंट्रोल है आपने सीरियस और केव्स तो है ही आश्चर्यचकित करने वाली तो आना तो एक बार बनता है बॉस ये आप जो देख रहे हो तो ये सारी जो रिवर का पानी देख रहे हो इन्हीं को हमने क्रॉस करके केव्स के अंदर से पार करते 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 पूरा राउंड लगाया है इस आइलैंड टाइप के माउंटेन्स का और अब हम लोग ये पहुँचने वाले हैं यहाँ से इसी रास्ते से हम आए थे अब इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं अगर आप लोगों को क्राउड पसंद नहीं है तो आप अर्ली मॉर्निंग के टूर कर लें बिकॉज हम लोग जो अर्ली मॉर्निंग आए थे तो हमें बिल्कुल खाली मिला था और अभी जो है इतनी भीड़ हो गई है यहाँ पे बोट है बोट जा रही है हम लोग वापस जा रहे हैं और ये लोग अभी इंसर्ट हो रहे हैं केव्स के अंदर खुश हो रहे हैं लोग बाय बाय YouTube सब्सक्राइब माउंटेन व्हीलर अरे देना चाहिए बाय बाय YouTube सब्सक्राइब माउंटेन व्हीलर ऐसे प्रमोशन भी चल रहा है देख रहे हो हम लोग आ गए हैं बोट की राइड करके और जैसे ही आप यहाँ पे एग्जिट करते हो उतरते हो यहाँ पे सुवीरियस वगैरह हैं आप चाहो तो ले सकते हो और एक इसी रूट के पार करके जहाँ पर साइकिल हमने पार्क करी है वहाँ पे भी सुवीरियस की दुकान है तो आई थिंक बाहर थोड़े सस्ते होंगे यहाँ थोड़ा सा महंगे होंगे इसलिए हम बाहर जा रहे हैं
सो गाइस हम लोग निंगबिंग से अराउंड 4:30 बजे करीब हनोई पहुंच गए थे और हनोई इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो थोड़ी सी मुझे टेंशन हो गई थी कि एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे टाइम से बिकॉज इंटरनेशनल में एटलीस्ट 2 घंटे पहले तो पहुंच ही जाना चाहिए बट समहाउ इनका जो चेकिंग टाइम होता है वो 1 घंटे का तक ले लेते हैं 1 घंटे पहले तक ले लेते हैं और बट हम लोग कैसे तैसे करके पहुँच गए थे फिर लेकिन फ़्लाइट भी 1 घंटे और डिले हो गई 1 घंटे भी थी ना 1 घंटे फ़्लाइट डिले हो गई तो वियतनाम एयरजेट का ही सीन है थोड़ा सा कंजे फ्लाइट भी लेग स्पेस वगैरह कम है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और डिले डुले इनका चलते रहता है एनीवे तो हम लोग पहुँच गए इंडिया अपनी कर्मभूमि जन्मभूमि में और ट्रैवल कर लिया है अब अर्न करने का टाइम है फिर से पैसा कमाओ और फिर उड़ाने जाओ ईट अर्न एंड ट्रैवल एंड रिपीट सो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना और इस सीरीज से लेके कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट करना मत भूलना और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू सून साइनिंग ऑफ